परीक्षा कराई गई और अब नीट की भी होने वाली है 13 तारीख को, लेकिन आईआईटी जेई की परीक्षा में भी 2 लाख से अधिक छात्र नहीं दे सके, उनका क्या होगा? सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। सर, मेरा नाम अभिषेक भारस्कर है। महाराष्ट्र के मेरा क्या लातूर में कहना रहने है कि वाले अभिषेक भराजकर मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के ग्रेजुएशन में बावजूद इस आर्किटेक्चर और जेईई की बीटेक का परीक्षा एग्जाम देने दिया। नहीं गए। अभिषेक के मैंने मुताबिक दोनों घर एग्जाम में और बुजुर्ग बीटेक दादा का दादी एग्जाम रहते दिया हैं है, और उन्हें डर था कि तो अगर वो मैंने पेपर बीटेक देने गए का तो एग्जाम उनके दिया है, जरिए बीटेक का संक्रमण एग्जाम दिया है और उनके मुझे घर इसके तक पहुंच एक्सपीरियंस सकता के था। हिसाब से मुझे 2 तारीख को एग्जाम देना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने JEE बीटेक का एग्जाम दिया नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरी स्टडी नहीं हुई थी या मैं एग्ज़ाम देने से डर रहा था। मैं किसी को खतरे में नहीं डाल सकता था घर पे। पापा को भी शुगर है और घर में दादी जी भी रहती है, तो मैं 2 तारीख का एग्ज़ाम देने का मुझे एकदम सही नहीं लगा। अभिषेक जैसे 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कोरोना के चलते जेईई की परीक्षा नहीं दी। SOPs were not at all followed. SOP फॉलो नहीं करी जा रही थी और मैं अपने परिवार की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। मैं अब 2021 में जनवरी में परीक्षा दूंगा। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं कि हर साल आवेदन करने के बावजूद 5 से 6% बच्चे इम्तहान नहीं देते, लेकिन 2020 में ये आंकड़ा 26% का है, यानी परीक्षार्थियों की तादाद में काफी कमी आई है। बुधवार को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को जवाब देते हुए ये जानकारी दी। जेईई के एग्जाम में 2 लाख से ज्यादा बच्चे आवेदन करने के बाद भी पेपर देने नहीं आए कोरोना काल में, और अब 13 तारीख को नीट की परीक्षाएं हैं। इसमें 14 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचेंगे जिन्होंने अप्लाई किया है। कितने आएंगे असल में ये बाद में पता चलेगा। और ये परीक्षाएं ऐसे वक्त हो रही हैं जब हर रोज भारत में विश्व की तुलना में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और हर रोज लगभग 1000 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और अब राजनीतिक खबरें। RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद